हेलो एवरीवन माय नेम वेलकम टू एवरी स्कोर माइनमि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सबको पता है हम यहां पर एट क्लास की टेक्स्ट बुक को स्टडी करें और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एंड पावर बेसिकली बात करें इस चैप्टर का जो यूज है हमने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था यस yes, जब हमारी एट क्लास की टेक्स्ट बुक स्टार्ट हुई थी तब से हमने पावर एक्सपोनेंट चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था धीरे yeah, धीरे हम उसको स्टडी भी कर रहे थे ये क्लास सेवन के अंदर भी आपने स्टडी की होगी आज हम इसके कुछ एडवांस के बारे में पढ़ने वाले हैं यस yes, और यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर इसके एडवांस लेवल तक पढ़ते रहेंगे देखिए पावर एक्सपोनेंट्स के अंदर बात करू तो पावर एक्सपोनेंट्स के बारे में आप सभी ने क्लास सेवन के अंदर आपने डिस्कस किया होगा यस yes, पावर क्या होती है एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं प्लस यहाँ पे बात करें बेस वैल्यू क्या होती है इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करता इसका डे टू डे लाइफ में यूज बताऊं तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई नंबर मल्टीपल टाइम के लिए रिपीट होता है तो उसको मल्टीपल टाइम नहीं लिख के उसका एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है उसी को शॉर्ट फॉर्म को हम क्या बोलते है? समझ आ हैं इस तरह से नंबर है. Yes, है एक के के अंदर दे रखा है इस तरह, से अब आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते yes, हर बार इस तरह से नहीं लिख सकते तो उसको हम क्या करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं या फिर मैं बात करू उसको एक कम्प्रेस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको कंप्रेस फॉर्म में जिस तरह के फॉर्मेट में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं

वो काफी बार एक ही जैसे नंबर से रिपीट होते रहते हैं यस yes, काफी बार एक ही जैसे नंबर रिपीट होते रहते हैं तो ये जो नंबर रिपीट है ये जो आपके पास क्या, क्या हो रहा है नंबर क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहे हैं इस रिपीटेशन को इसी फॉर्मेट में लिखना यस yes, इसके फॉर्मेट में लिखना ये हमारे लिए क्या कहता है पावर एक्सपोनेंट कहता है अब ये लिखते कैसे हैं किस तरह से लिखा जा सकता है इन सभी के बारे में डिस्कस करें लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि पावर क्या होती है एक्सपोनेट क्या होते हैं प्लस इसके बाद साथ बेस वैल्यू क्या होती है ये सारी चीज समझते हैं जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे बात करूं टेन टू दावर ट्वेंटी फोर लिखा यस yes, यहाँ पे देखिए इसको बोलने का जो तरीका है जैसे ये आपके पास लिखा है टेन के ऊपर क्या लिखा है यहाँ पर ट्वेंटी फोर लिखा है तो इसको बोलते हैं टेन टू दी पावर ट्वेंटी फोर पावर ट्वेंटी फोर देखिए यहां पर आपके पास दो नंबर होते हैं पहले बात करूं तो ये आपके पास जो टेन लिखा हुआ है ये टेन आपके पास क्या कहलाता है बेस कहलाता है यस ये टेन क्या कहलाता है आपके पास बात करें यहाँ पर बेस कहलाता है बात करें ये जो 24 आपको नजर आ रहा है जो कि 10 के ऊपर लिखा हुआ है ये क्या लिखा है या फिर मैं बात करूं पर लिखा हुआ काफी जगह आपको पावर लिखा हुआ तो बेसिकली बात करें आपके पास कोई नंबर होता है उसके नंबर के ऊपर हम कोई नंबर लिख देते हैं तो वो समझाता है कि वो उसकी क्या है यहां पर पावर है अब पावर क्या समझता है जरा बात करें यहां पर जस्ट लाइक like मैं यहां पे बोलू कि आपके पास ये जो टेन है ये जो टेन दिख रहा है आपको यहाँ पर ये टेन क्या हो रहा, है? 5 हो रहा है पावर का मतलब होता है कि आपका जो नंबर है वो उतनी टाइम क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है अपने आप को जस्ट लाइक देखिए बात करूँ यहाँ पर तो देखिए टेन टू पावर क्या लिखी है यहाँ पर फाइव लिखी है टेन टू पावर फाइव लिखने का मतलब यहाँ हुआ कि आपका जो जो टेन नंबर है वो क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है जस्ट लाइक like इस तरह से देखिए टेन इंटू टेन इंटू टेन इंटू यस टेन इंटू उसके बाद देखिए बात करें यहाँ पे टेन यस yes, तो ये जो ये जो नंबर है अपने आप को क्या कर रहा है यहाँ पर मल्टीपल टाइम के लिए क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है यदि कोई नंबर अपने आप को मल्टीपल टाइम के लिए रिपीट करे तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और ये जो लिखा हुआ फॉर्मेट है इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियर अब जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ जैसे मेरे पास एक नंबर है कि टू इंटू टू इंटू टू इंटू यस मैं बात करू यहाँ पर देखिये टू इंटू 2 2 2 यस ऐसे लिखते जा रहा हूं यहां पर यस ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने नंबर लिख दिया यस yes, मैंने इस तरह से नंबर लिख दिया अब मैं इसको बोल रहा हूं कि आप इसे 10 बार लिख दीजिए यस yes, आप इसे क्या कीजिए 10 टाइम और लिख दीजिए तो आप क्या बोलेंगे सर इतने सारे नंबर्स को 10-10 लिखना पड़ेगा बिल्कुल लिखना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे बार-बार बार-बार लिखेंगे इससे बढ़िया आप क्या कर सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं जरा बात करें यहाँ पर तो आप सिंपल सा क्या करें टू टू डी पावर यस की जो पावर है वो आप लगा सकते हैं कैसे लगा सकते हैं देखिए यहाँ पर पावर क्या चीज होती है कि कोई नंबर्स अपने को जितनी बार रिपीट करता है वही उसकी क्या हो जाती है बेसिकली बात करें पावर हो जाती है जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर देखिये वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो टू है यस ये जो टू है ये अपने आप को कितने बार रिपीट कर रहा है एटीन टाइम तक रिपीट कर रहा है इसका मतलब टू टू दी पावर क्या हो जाएगी बेसिक बात करें एटीन हो जाएगी क्लियर हो गया यहाँ पर अब देखिए एक तो तरीका है आप इस तरह से लिखें एक तरीका आप इस तरह से लिखें दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है अब पावर एक्सपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ी इसको जरा समझते हैं क्लियर देखिए काफी नंबर ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम तक मल्टीपल होता है यहां तक तो, तो हमने क्या क्या एटीन टाइम तक लिखा यहां पे देखिए आपके पास क्या है ट्वेंटी टाइम तक है ऐसे नंबर होते हैं जो लाखों टाइम्स क्या होते हैं रिपीट होते हैं अब जब आपके नंबर्स लाखों टाइम रिपीट्स होते हैं तो आप उसे लिख नहीं सकते यस yes, मैं बोलता हूं आपके पास यहां पर कि yes, नहीं लिख पाते तो यहां पर कितनी टाइम लिखेंगे यस yes, वो आप यहाँ पे इतनी बार लिख नहीं सकते तो उसको यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए यस उसको यहाँ पे क्या करने के लिए शॉर्ट करने के लिए और सही ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका यूज किया यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट्स का यूज किया तो आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा कि पावर एक्सपोनेंट्स की नीड क्यों पड़ी किस लिए यहाँ पर जरूरत पड़ी यस yes, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है और हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो बेसिकली बात करें पावर एक्सपोनेंट की जब भी आपके पास बहुत लंबे नंबर्स हो बहुत लॉन्ग नंबर्स हो यहाँ पर या कोई नंबर अपने आप को मल्टीपल टाइम के लिए रिपीट करता हो तो उसको मल्टीपल टाइम के लिए नहीं लिख सकते यस yes, उतने टाइम के लिए नहीं लिख पाते हैं इसलिए हम उसका क्या करते हैं एक शॉर्ट फॉर्मेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पावर एक्सपोनेंट क्लियर अब जरा बात करें यहाँ पर तो देखिए मैं बोलता हूं आप ये काम कीजिए इतने के जी आपको सामान लेके आ जाइए अब आप बोलेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है फाइव नाइन सेवन उसके बाद इतने सारे जीरो सर इतने सारे जीरो का सामान कैसे ला सकता हूं मैं यहाँ पर यस yes, यहाँ पे मैंने के में लिखा है या फिर एक बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सा तो मैं यहाँ पे बोलूँ की ये आपके पास किसी आपके पास जो प्लेनेट है उसका मास है यस yes, ये किसी प्लेनेट का मास है अब मुझे बताइए पढ़ के कि ये कितने के जी है यस yes, आप पढ़ के बताइए तो आप क्या करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे यस yes, कैसे बोलते हैं यहाँ पर यस yes, यहाँ पे तो आता है यूनिट उसके बाद बात करूं यहाँ पे डे उसके बाद डीसी बस उसके बाद बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बोलते हैं यहाँ पर यहाँ पर थाउजेंड उसके बाद आपके पास क्या होता है यहाँ पर टेन थाउजेंड उसके बाद क्या होता है यहाँ पर लैक फिर टेन लैक फिर उसके बाद करोड़ उसके बाद टेन करोड़ फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहते बढ़ते रहते यस तो आपको ऐसे पढ़ने में ज्यादा दिक्कत होगी इसलिए क्या करते हैं मैं बोल रहा हूं ये किसी प्लेनेट का यहां पर क्या कर रहे हैं यहां पर मास है यस yes? किसी प्लेनेट का क्या है यहां पर ये यह मास है तो उस समय आपको यहाँ पे बोलूं कि लिखा हुआ है जरा पढ़ के बताइए तो तो आप बोलेंगे सर फाइव नाइन सेवन जीरो 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 ऐसे बोलते रहेंगे यस yes? ऐसे बोलते रहेंगे ना तो ये क्या बोल रहे हैं yes? आप ये नॉट अंडरस्टैंडिंग यस आप किसी को बोलेंगे सर इसका प्लेनेट का मास क्या सर इतने पॉइंट जीरो जीरो चल रहा है यस yes, आप उस समय ऐसे बोलते रहेंगे तो उसको अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं यस yes, वो बोलेगा सर क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा आप इसका कुछ अच्छा फॉर्मेट बताइए ना कि इसको बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया जा सकता है बहुत अच्छे ढंग से बोला जा सके तो आप बोलते हैं कि सर ये तो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक काम कीजिए आप इसे क्या कीजिए फाइव पॉइंट नाइन सेवन और टेन टू दावर ट्वेंटी फोर के जी बोल दीजिए यस yes, ये तो आपको समझ आ रहा है बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है फाइव पॉइंट नाइन सेवन इन टू टेन टू दी पावर ट्वेंटी फोर लिखा हुआ है स इंटू टेन टू दि पावर ट्वेंटी फोर तो मुझे एक अच्छा ध्यान रह जाएगा कि अच्छा ये है कि फाइव पॉइंट नाइन सेवन लिखा हुआ है उसके बाद टेन टू दावर ट्वेंटी फोर मतलब टेन आपके पास क्या है ट्वेंटी फोर टाइम क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है यस yes, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग का अपने पास है मैथ yes, और क्या करते हैं यहाँ पर की जो नंबर है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है तो इसको क्या करते हैं कंप्रेस फॉर्मेट में लिख लेते हैं ताकि अच्छे रंग से समझ में आ सके आई थिंक ये समझ आ चुका होगा पावर एक्सपोनेंट्स का क्यों यूज किया गया अब जरा बात करते हैं यहाँ पर तो हमने देखा कि पावर एक्सपोनेंट्स में तो क्या है आपका पास कोई भी नंबर जो होता है यदि आप मल्टीपल टाइम के लिए रिपीट कर रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं उसको एक सार्ट फॉर्मेट में लिख देते हैं जस्ट लाइक मैंने लिखा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू तो ये कितनी बार लिखा है यहाँ पर फाइव टाइम लिखा है तो आप क्या लिख रहे हैं टू टू थ्री पावर फाइव लिख रहे हैं यस जस्ट लाइक मैं बोलू यहाँ पर ये कितने टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर एम टाइम लिखा हुआ है तो आप क्या लिख रहे हैं टू टू थ्री पावर एम लिख रहे हैं यस तो आप इस तरह से अपने जो नंबर्स हैं उसको शॉर्ट फॉर्मेट में बना सकते हैं

आपने कि ही है उसके साथ आप क्या अगर मल्टीप्लाई करते टेन टू दी पावर कितना है आपके पास बात करें यहाँ पर ओके, 22 की थी और ये आपके पास के जी आ गई क्लियर तो आपने ये बोला कि सर ये आ रही है यस आपने क्या बोला फाइव नाइन सेवन इंटू पावर कितना आ रहा था ट्वेंटी टू आ रहा है यस आपने कैसे बोला आपके पास ये मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई इंटू टेन देखिए जस्ट लाइक मैं आपको बोलूँ यहाँ पर टू इंटू टेन कर देता हूं तो इसका अंदर क्या हो रहा है ट्वेंटी तो हो रहा है यस तो मतलब ट्वेंटी को लिखने का तरीका भी हमारे पास है ट्वेंटी को लिखने का तरीका क्या है टू इंटू टेन है तो वही तरीके से ये जो नंबर लिखा हुआ आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से हमने इसको लिख दिया अब आप सोच रहे होंगे सर ये टू ट्वेंटी पावर ट्वेंटी फोर लिखा हुआ है ये ट्वेंटी टू लिखा हुआ है सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास क्या लगा है पॉइंट लगा हुआ है

यस yes, किसी भी आपके पास लॉन्गेस्ट नंबर को एक शॉर्ट फॉर्मेट में दिखाने को हम क्या बोलते हैं पावर एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं देखिए पावर एक्सपोनेंट्स का जो मोस्टली यूज करते हैं ना वो साइंटिफिक लैंग्वेज होता है यस कट 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 करना थोड़ा देखिए पावर और एक्सपोनेंट्स का जो यूज है ना वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जब हम साइंस के अंदर जो नंबर यूज करते हैं यस जस्ट लाइक मास निकालने के लिए यूज किया हमने यहाँ पर यस yes, या फिर मैं बात करूं यहाँ पे काउंटिंग करने के लिए हो गया जैसे फोटोन की काउंटिंग न्यूट्रॉन की काउंटिंग हो गया यस मार्स ऑफ ऑर्बिट ऑर्बिट हो गया यहाँ पर या फिर मैं बात करूं यहाँ पर प्लेनेट का मास हो गया यहाँ पर लाइट की आपके पास स्पीड हो गई यहाँ पर तो जितने प्रकार के यहाँ साइंटिफिक जो आपके पास यूज होते हैं यहाँ पर नंबर्स उन सभी के लिए पावर एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्लियर हो गया समझ में आपको यहाँ पर कि किस तरह से पावर एक्सपोनेंट्स यूज करते हैं प्लस यहाँ पे डे टू डे लाइफ में क्या यूज है और प्लस हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके अंदर हमने देखा कि बेस आपके पास क्या होता है जो नीचे नंबर लिखा होता है वो बेस होता है और बेस का मतलब ही यही होता है कि वो नंबर आपके पास क्या हो रहा है वो इतने टाइम क्या हो रहा है रिपीटेड हो रहा है कितने टाइम रिपीट हो रहा है कि जो नंबर है उस नंबर के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ होगा जो क्या दिखाएगा आपको यहाँ पर एक्सपोनेंट्स को दिखाएगा या फिर किसको दिखाएगा पावर को दिखाएगा इसका मतलब ये नंबर इतने टाइम आपके पास क्या कर रहा है एक दूसरे को रिपीट कर रहा है आई थिंक समझ में आ चुका होगा किस तरह से करना ओके okay? तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर जहां पर पावर एक्सपोनेंट्स के ऊपर और भी हमारे पास जो यहाँ पर आइडेंटिटीज है उनको डिस्कस करेंगे क्लियर तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ तब तक आप हमारे साथ बने रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो